ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, एंड सेकेंडली दैट देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक पीएच दैट इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स फॉर देम टू ग्रो बेटर, और ये पीएच ऑप्टिमम पीएच कहलाती है, दैट इज बेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट. ठीक है, एंड ऑल्सो इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वी नो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंट्रोल या रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ HCl, राइट? HCl हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच बनाता है, एंड एसिडिक पीएच इज रिक्वायर्ड टू फॉर पेप्सिन टू एक्ट. पेप्सिन अच्छे से एक्ट करे इसलिए हमें HCl की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सेकेंडली अगर ये एसिड ज्यादा हो जाए, इफ देर इज एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक, वी फील पेन एंड इरिटेशन. पेन एंड इरिटेशन कॉज करता है, एंड दे आर द इंडिकेशंस ऑफ इनडाइजेशन. ठीक है, तो टू फेस दिस प्रॉब्लम वी टेक एंटा एसिड्स विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड्स प्रोड्यूस एंड ब्रिंग रिलीफ. तो वॉट दे आर सेइंग इज, कभी कभी हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा हो जाता है than required, and in this case there is irritation in the stomach. ठीक है ना, excess acid is produced, and this excess acid, excess HCl, irritates our skin and causes pain. Now this acid needs to be रिड्यूस्ड. एसिड की कंसेंट्रेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी वी कैन यूज बेस, बिकॉज वी नो दैट बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड. ठीक है, तो बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिड. सो वॉट वी कैन यूज हियर इज, वी कैन यूज अ बेसिक सोल्यूशन, एंड we can use a non-toxic base. Non-toxic base का एक example है magnesium hydroxide. That is a component of milk of magnesia. ठीक है, तो milk, ये जो magnesium hydroxide है, when we take it, it reaches our body and it neutralizes the excess acid. Excess acid को neutralize कर देता है, and इस वजह से irritation of stomach and acid production to nahi, but irritation of stomach is reduced. Theek hai, so this is the concept behind the use of antacids. Antacids are the bases that neutralize the acid, excess acid in our stomach. Hamari body mein jo excess acid hota hai usko neutralize kar deta hai. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इवन बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन. ठीक है, तो अब ये चीज यहीं पे लिखिए, टू फेस दिस प्रॉब्लम वी टेक एंटासिड विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एंड ब्रिंग्स रिलीफ. वन सच एंटासिड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, and milk of magnesia is nothing but magnesium hydroxide. Okay, is this point clear to you? Yes or no? Yes sir. Okay. Then talking about टूट डिके. ठीक है, हम टूट डिके की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा जो टूथ है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है. ठीक है, एंड दिस कोटिंग इज ऑफ इनामल. ठीक है, सो आवर टूथ इनामल इज कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, टूथ के ऊपर जो कवरिंग होती है
that is made up of enamel and it is hardest known substance. So हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इट इज इनैमल. ये इनैमल ना किसी फूड मटेरियल से डिस्ट्रॉय होता है ना किसी ग्राइंडिंग से डिस्ट्रॉय होता है. दैट मींस जब हम फूड को ग्राइंड करते हैं तो इट हैज अ लॉट ऑफ पावर. ठीक है. बट अब द थिंग इज दैट दिस इनैमल इज एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट. टूथ इनैमल इज कैल्शियम फॉस्फेट एंड क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट है तो इट इज काइंड ऑफ लाइक बेसिक. ये कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे सब्सटेंस है इट इज लाइक इट इज क्वाइट बेसिक. बेसिक करेक्टर ये दिखाता है. तो कैल्शियम फॉस्फेट के ऊपर ठीक है अगर एसिड आ जाए तो एसिड कैन डिस्ट्रॉय दिस इनैमल. इनैमल की कैविटी की जो लेयर है उस इनैमल की लेयर को डिस्ट्रॉय कर एक होल बना देता है एंड दिस होल इज नोन एज कैविटी. ठीक है. अब ये जो कैविटी है ये कैविटी बनती कैसे है और एसिड यहाँ पे अटैक कैसे करता है. हाउ डज एसिड इवन अटैक दी टूथ इनैमल. तो ये चीज जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारे माउथ में देर आर नेचुरली देर आर सम बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में काफी टाइम तक फूड पार्टिकल्स पर फीड करेगा एंड वाइल फीडिंग ऑन द फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ वो बैक्टीरिया इट विल सिक्रीट एसिड. इट विल प्रोड्यूस एसिड और ये एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा दिस बैक्टीरिया द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया विल अटैक आवर टूथ इनैमल and this will be a neutralization sort of reaction. So, इस वजह से हमारी tooth जो है that will get cavities. तो ये वाली बात समझ में आई yes or no? तो हमारी अगर pH 5.5 से नीचे जाता है हमारे टीथ हमारे माउथ में तभी टूथ डिके स्टार्ट होता है. ठीक है. पीएच बिलो 5.5 दैट इज एसिडिक पीएच पे ये स्टार्ट होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग कुछ नेचुरली अक्रिंग एसिड्स हैं विच आई वांट यू टू राइट इन योर नोटबुक कि कौन से नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है. विनेगर इज एसिडिक एसिड. ऑरेंज हैज सिट्रिक एसिड. Tamarind is like is imli, you know. So imli mein that is tartaric acid. Tomato mein oxalic acid. And curd mein lactic acid. Lemon mein citric acid again. Ant sting mein methanoic acid. Okay. So lemon and orange, they both have citric acid. So they are known as citrus foods. Ye kya bolte hain? Citrus foods. ठीक है. ये बात क्लियर है. नोट कर लिए तुमने मेन यस और नो? यस सर. करो एक बार जल्दी से नोट करो. Sir, can you tell what is methanoic acid? Methanoic acid is हमने किया था शायद तुम्हें याद नहीं होगा. It is HCOOH methanoic acid. इसको हम formic acid भी बोलते हैं. ठीक है. Then let's move to the next slide. Okay.
ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, तो एक्चुअली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड दीज सॉल्ट्स आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनाए। अच्छा वीक एसिड वीक बेस की बात करें, अगर हम देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल याद कर लो और वीक एसिड वीक बेस के एग्जाम्पल यूज कर लर्न कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे आते हैं, हमने किया था HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस में आता है NaOH, KOH। वीक एसिड में आते हैं इथेनोइक एसिड CH3COH, ठीक है, मीथेनोइक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। और वीक बेस के एग्जांपल हैं हमारे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOH होल साइज एंड वी हैव ठीक है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस एटसेट्रा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट ये था कि जो ज्यादा H प्लस दे सकता है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड और जो कम देता है वो वीक एसिड। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस इज द वन दैट गिव्स मोर OH माइनस and weak base is the one that gives less OH minus. So, ab salts ki baat kare, to salts mein, we can make salt from strong acid and weak base. Hum aise le sakte hain. Or we can use strong acid, strong base. Theek hai? So, in ke example dekhte hain kaise banega. स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ले लिया HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा, इट विल बी NaCl प्लस H2। सो दैट मीन्स NaCl हैज सोडियम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोराइड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस को दिमाग में रखते हुए वी कैन ऑल्सो मेक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया H2SO4 और वीक बेस ले लेते हैं, वीक बेस ले लेते हैं ALOH होल थ्राइस, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा, इन दोनों का सॉल्ट बनेगा Al2SO4 whole thrice aluminium sulfate, right? तो इस केस में हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वी यूज वीक बेस, वीक बेस कौन सा यूज किया ALOH whole thrice, ठीक है। नाउ कैन यू मेक सम मोर सॉल्ट ऑन योर ओन, तो प्लीज मेक अ सॉल्ट दैट इज strong acid honey that is weak acid and strong base, koi ek weak acid strong base ka salt bana ke dikhao, come on,
यस युवराज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो जरा वेलेंसी को। अच्छा मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कोई वीक एसिड, देखो कोई भी वीक एसिड देख लो, वीक एसिड मैंने H2CO3 ले लिया ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस सपोज KOH ले लिया ठीक है, तो KOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड इज H2CO3, इन दोनों का सॉल्ट बनाना है, तो इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा, इनका सॉल्ट बनेगा K2CO3, तो K2CO3 विल बी अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है। टेल मी इज दिस क्लियर, क्लियर है ये बात, यस और नो? ठीक है अब एक और बना के दिखाओ, वीक एसिड वीक बेस ट्राई करो प्लीज, वीक एसिड वीक बेस। या ओके, सो लेट अस से कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड वीक बेस में हम ले लेते हैं H2CO3 ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, CuCO3 विल बी अ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट ठीक है। सिमिलरली तो वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल एक बन सकता है, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। अब सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इज अगर मैं इसको यूज करता हूं किसी ऑर्गेनिक एसिड को, दिस वन इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड को हम रिएक्ट करा के देखते हैं विद सपोज KOH ठीक है, तो इनका सॉल्ट क्या बनेगा, तो दिस विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो पर सॉल्ट क्या होगा, इसका सॉल्ट होगा CH3COOK। तुम्हें याद होगा जब ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं तो अनायन आगे आते हैं एंड कटायन पीछे आते हैं, अनायन आगे और कटायन पीछे, तो ये एक सॉल्ट हो जाएगा, दिस विल बी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है तो ये तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लीज टाइप क्लियर और रिपीट, क्लियर है ये बन जाएंगे सॉल्ट्स। तो होमवर्क क्या है, इसका होमवर्क मैं दे रहा हूं कि यू हैव टू मेक 4 सॉल्ट्स ऑफ ईच टाइप, you have to make 4 salts of each type, clear? सारी type के 4-4 salts बना के दिखाने मुझे, that is strong acid, strong base, weak acid, weak base, etc. तो एक चीज जो यहाँ पर जरूरी है जानना, that strong acid, strong base, ये salts जो होते हैं they are neutral, कैसे होते हैं, neutral यानी कि इनकी pH 7 होती है ठीक है। Salts of strong acid, weak base will be acidic. कैसे होंगे? Acidic. क्योंकि इसके अंदर strong acid है और weak base है. Salt of weak acid and strong base will be basic. Basic. ठीक है. And salt of weak acid weak base we cannot
ये तो याद हो कैनॉट से ठीक है ये तुम हायर क्लास में पढ़ोगे कि इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट एसिडिक हैं बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं ठीक है तो ये वाली बात क्लियर है कि सॉल्ट्स भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है क्या है क्लियर है ये बात यस और नो सो मुझे बताओ NaCl इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल विच टाइप ऑफ सॉल्ट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल गुड आयुष तनिष्क गुड Yes, the salt will be neutral. Good for you. Next. So, एक और example मैं पूछता हूँ. अच्छा. Tell me. CuNO3 hold twice will be acidic, basic or neutral? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो करो क्या अनायन का एसिड बना दो अनायन है NO3 उसका एसिड क्या होगा HNO3 और जो कटायन है उसका बेस बना दो कॉपर का बेस क्या होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड फिर देखो कौन स्ट्रॉन्ग है दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड दिस इज वीक बेस सो इस केस में सॉल्ट विल बी एसिडिक ठीक है समझ आया यस और नो ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉमन सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ठीक है इट इज प्रेजेंट इन ओशंस एंड सी तो सी में ऐसे मिलता है हमें राइट सी वाटर में नेचुरली देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स ठीक है सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और ये सॉल्ट्स हमारे ओशन से बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं एट नियर द ओशन ठीक है तो ये चीज याद रखना है दैट ऑल्दो हमें ये ओशन के पास मिलता है दैट मींस कि ओशन हैज अ लॉट ऑफ सॉल्ट ठीक है ओशन के अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है सीज में देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड अगर जैसे यहाँ पे कहीं पे लैंड होता है जैसे बीचेस एटसेट्रा तो कभी कभी इन बीचेस एटसेट्रा में देर आर डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट ठीक है सॉल्ट का डिपॉजिट पाए जाते हैं ठीक है तो इन डिपॉजिट से वी कैन गेट रॉक सॉल्ट तो जो सॉल्ट यहां से मिलता है दैट इज रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट यूजुअली वहां पे मिलते हैं जहां पे ओल्ड सी हैज ड्राइड अप ओल्ड टाइम सी ड्राई हो गया है तो इट लीव्स द बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट तो वहां पे रॉक सॉल्ट के बेड्स हमें मिल जाते हैं जहां से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं देन रॉक सॉल्ट कैन बी प्योरिफाइड ठीक है रॉक सॉल्ट को प्योरीफाई करके हम अपना
कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं. जो कॉमन सॉल्ट है इट इज अ प्योरिफाइड वाइट फॉर्म में होता है. तो इट इज प्योरिफाइड फ्रॉम रॉक सॉल्ट विच इज फाउंड इन डिपॉजिट्स. ठीक है, तो ये चीज मैं दोबारा बोल देता हूँ. सबसे पहला, हमारे ओशन में बहुत सारा सॉल्ट होता है एंड जो पुराने ओशंस होते हैं उन ओशंस जब ड्राई अप हो जाते हैं तो दे लीव अ डिपॉजिट. बहुत सारा सॉल्ट एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है एंड दिस आर कॉल्ड सी सॉल्ट बेड्स. इन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्ट बेड. ये सॉल्ट बेड से हम जो सॉल्ट निकालते हैं दैट इज रॉक सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट कैन बी प्योरिफाइड टू गिव कॉमन सॉल्ट. क्लियर है ये बात? यस और नो? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है लाइन, कि हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं लाइक NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब को यूज कर सकते हैं टू मेक कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट की हेल्प से ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो हम NaCl को यूज करके वी कैन मेक बेकिंग सोडा, वी कैन मेक वॉशिंग सोडा, वी कैन मेक ब्लीचेस. एंड वी कैन ऑल्सो मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें नेचुरली मिल रहा है. ठीक है, जो NaCl है उसका हमारे पास बहुत सारा डिपॉजिट्स हैं. तो NaCl आर प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, नेचुरली हमें मिल रहा है. तो इसकी हेल्प से वी कैन मैन्युफैक्चर यूजफुल केमिकल्स लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड वन ऑफ द प्रोसेस जिसमें हम ये चीजें करते हैं दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसको हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज इन मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आएगा. देखो, फर्स्ट अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डीकंपोजेस टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस. ठीक है, एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज दिस. अच्छा, एक सेकेंड रुको. ठीक है, वेट करो. One second. Let us start a new meeting. ठीक है, नई मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, उसके आगे मैं समझाता हूँ.